जोशीमठ में दो और होटल झुके, कभी भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा यह राष्ट्रीय आपदा है या नहीं। उत्तराखंड के जोशीमठ में दो और होटल एक दूसरे की तरफ झुक गए हैं। इनका नाम स्नो क्रेस्ट और कॉमेट है। दोनों होटलों के बीच करीब 4 फुट की दूरी थी, जो अब कम होकर सिर्फ कुछ इंच रह गई है। इन दोनों होटलों की छत एक दूसरे से लगभग टकरा रही है, यानी ये होटल कभी भी एक दूसरे से टकरा सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए इन दोनों होटलों को खाली करा दिया गया है। ये दोनों होटल उस जगह से 100 मीटर दूर है जहां होटल मलारी इन और माउंट व्यू है। इन दोनों होटलों को गिराने की प्रक्रिया रविवार को शुरू हुई है। वहीं जोशीमठ संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जोशीमठ ओली रोपवे के पास बड़ी दरारें उभर आई हैं। इस रोपवे के ऑपरेशंस एक हफ्ते पहले बंद कर दिए गए थे। रोपवे इंजीनियर दिनेश भाटी ने बताया है कि इस रोपवे परिसर के पास एक दीवार पर 4 इंच चौड़ी और 20 फीट लंबी दरार आ गई है। इस इलाके में दरार पड़े घरों की संख्या भी 723 से बढ़कर 826 हो गई है। इनमें से 165 घर असुरक्षित इलाके में हैं। राज्य आपदा प्रबंध संस्था ने बताया कि अब तक 233 परिवारों को रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट किया जा चुका है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।